पति से घरेलू विवाद के चलते अपनी दूसरी पत्नी की गोली मार कर की हत्या, पति और उसका पहली पत्नी का बेटा हुआ फरार। घटना थाना शिकोहाबाद के रमेश नगर की। हत्यारा पति PNB बैंक फिरोजाबाद में है बैंक मैनेजर। घटना थाना शिकोहाबाद के सिद्धार्थ एंकर बैंकर कॉलोनी रमेश नगर की है, जहां आसाराम अपनी दूसरी पत्नी विनीता के साथ रहता था। देर रात दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आसाराम ने विनीता की गोली मार कर हत्या कर दी। आसाराम फिरोजाबाद में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात है। हत्या करके वे और उसका पहली पत्नी से हुआ बेटा दरवाजा बंद कर कट फरार हो गए हैं। वही हत्या की खबर से पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का जायजा करते हुए बताया कि सूचना मिली थी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी है, जिसका नाम आसाराम है। ये सूचना मृतक महिला के बेटे अंकित ने दी है। आसाराम और उससे जो पहली पत्नी का बेटा है, वह हत्या करने के बाद दरवाजा बंद करके फरार हो गए हैं। पुलिस इन मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। नाम है तुम्हारा? अंकित नाम है। अंकित, किसकी हत्या हुई है और क्यों हुई है? मेरी मम्मी की हत्या हुई है, जिनका नाम विनीता है। किसने की है? मेरे पापा ने और मेरे सौतेले भाई ने। क्यों? इनका छोटा मोटा हमेशा विवाद होता रहता था, पर कल के दिन डैडी ने भैया को बुला लिया, उसका मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं जैसे तैसे बचा, बाहर भगा तो मेरी मम्मी को मार दिया है। कितनी देर की घटना है ये? लगभग 11:30 के आसपास की बात थी, 5-10 मिनट में ये सब हुआ था। ये प्रकरण थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दिया है और उसको दरवाजे के अंदर बंद करके भाग गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर तत्परता से पहुंची है और जो जानकारी मिली उस व्यक्ति के पुत्र अंकित के द्वारा, उसके अनुसार उनके ही पिता, जिनका नाम आसाराम बता रहे हैं, उन्होंने अपनी ही पत्नी, जो कि दूसरी पत्नी है, उनको किसी बात पे काफ़ी विवाद हुआ और उसमें गोली मार के उनकी मृत्यु पारित कर दी और मौके से फरार हो गए। फरार के साथ उनका एक बेटा भी है जो पहली पत्नी से पैदा हुआ था। ये दोनों लोग फरार हैं और मौके पे पुलिस बल मौजूद है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त की जा रही है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।